गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अगले दिन गया सैर सपाटे को घूमने को दूर तक, क्योंकि कई दिन का कमर गर्म बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। परमात्मा उससे पहले आ गया वापस, उसके आने से वापस आने से पहले स्वयं आ गए नरसी रूप बनाकर एज इट इज, और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो तीन दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं एक दो छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे तैयार, उन्हें पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए, और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे किरोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता तू जैसा स्वामी है वहीं खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आजादेश हो गया है, तेने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ, हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसकी, सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बुही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण बोल पढ़ के सुन, वो हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया दो चार बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था, दो चार बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप, परमात्मा ने सारी बही सुना दी ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ गया जंगल में जाकर बनी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त, उसने देखा कि हाँ बोल ईब ईब के चावे तो मेरे ते ईब के चावे, तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति डप ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी, काया अपनी है नहीं ये माया कहाँ से हो, जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई इन दोनों को खो, इनको भूल जा, नंगा आया जगत में नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे, वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार।
तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूँ वापस। अब क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचेता हुआ कि भाई, और तो बनेगा गदा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तेने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूँ भाई, काफ़ी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा कि जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो तक गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आ गई कि आप जो कहोगे मैं वही कहूँगा, वही करूँगा। कहने लगे जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कती लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोंपड़ी पा के, दोनों पति पत्नी। उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन के करना है भक्ति करेंगे बैठ के, हैं रोज़ अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं, एक अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने, और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था। तो 4 भगत आ गए, उन्होंने द्वारका जाना था, द्वारका के दर्शन करने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहाँ रहा करते, द्वारका में, द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो ख़त्म हो ली थी, फिर भी वहाँ जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहाँ नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर संन्यास ले रखा है उसने, और धनवान एक नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है, एक दो बार नटेगा वो तुमने, मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहाँ झोंपड़ी में पहुँच गए जहाँ दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़ चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूँ, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो तीनों चारों नाराज हो गए कि तू सचमुच गांव वाले कह रहे थे, तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूँ तो मैं ढेर हो गया है, और जब मेरे पास धन था मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है, भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने। अब वो गुरु रूप में मानने लग गया उस विप्र को, वही उसी को उसी पर आधारित रहूँगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दें, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज़ मंगाया कि कागज लाओ, वो कागज़ ले आए गाँव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का आकर कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूँ, नरसी भगत सेठ नहीं नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुँच गए कागज लेकर के, सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल हो गई है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया,
तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, ये इसका दिवाला निकल गया है, आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं, हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी मारा काम तो बिगड़ गया, अब या घुमा फिरा हो कित खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारा सारी द्वारका में घूम फिर कर वो बाहर चले गए। किसी ने सब ने यही बताया, बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे, अब के बनी भाई। उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपए का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 500,000 के करीब है वो 500 रुपए, और मंगवा कर सारा चावल घी दूध खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा भगवान से अर्ध लगाई, ध्यान मग्न हुए, मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं, हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे पोते थे, ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के और सेक चूल्हे पर सेक चाके रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दूर रूप बना के, और कहने लगे भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहाँ भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहाँ सांवल शाह नाम का एक सेठ बन के, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोरी धोती कान में और कलम टांग रखी पहन और काख में बई, और पहुंच गया वहाँ पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल साह हूँ, सांवरिया सेठ हूँ, और नरसी भक्त नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी आप मुझे वो कागज़ दो। वो कागज़ दिया और कहा आ जाओ तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते वहाँ उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा यहाँ चद्दर बिछा लो। जो मजाक कर रहे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक कर रहे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे उनका मुंह बंद करने के लिए। चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहाँ चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी व दरली, और वहाँ करें सुन ले भाई महात्माओं, एक दो तीन आवाज लगा लगा के गणे और खड़का करें अक्सा है, चारों तरफ लग गए देखण सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे करोड़ हुंडी दे दे दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साई को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वछल भगवंत।
अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है, नरसी जी की हुंडी दीनी वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रिस्म रिवाज बहुत गलत हैं जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय निक्स फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन परमात्मा जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सर्वपुरुष है, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए, ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से अपरिचित रहें, गलत साधनाएँ करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है, तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसके लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ, उसके विवाह के लिए लड़की आ गई भात नौतण, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाज अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन भात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी, मैं सुमरूंगा राम, जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई, लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोत कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहे क्या बेचारी, सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहाँ पहुँचेंगे, कौन मेरा साथी होगा, यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में, उसने कहा कि आज नरसी तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज़ में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में, बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करें, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़े इज्जत होते बेइज्जती पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होएंगे चल के। तो वहाँ सफ़र करने के लिए पहले बैलगाड़ियाँ थी,
अब बैल गाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया, किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तु उधारी ऐसे देता देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो। किसी से एक बैल मांगा, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाओ से निकम्मे से बैल, और बैल गाड़ी थी खराब सी, वह पक्का दिख ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी, 16 सूरदास उसमें बैठ गए, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का, और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था 3रे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्धी अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसी सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है जिस गांव में उन्होंने जाना था, उसे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का, और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेसिक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत ख़राब है, कटने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएँगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारी रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूँगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूँगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, जितने आज तक ये प्रचारक हुए हैं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूँ आपको, लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं, और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। नरसी जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे ते छानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, क्या मेरे ते छानी है, नाम कृष्णम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहु गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, लई हाथ में आरी जी, नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे समारण, लई हाथ में आरी जी, नरसी जी की वा टूटी गाड़ी, अरन आप समारी जी। नरसी बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहु गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में,
रटे राम की माला जी, सोला सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी, पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी, पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी, भगतों का रखवाला जी, वो आपे पूरण राम भाई में हार लिया, गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया, बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी, बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी, कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुँचाया जी, कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुँचाया जी, वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों पर नाम भाई में हार लिया, गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहु गाड़ी थाम भाई में हार लिया, कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी, कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी, जो सतगुरु के सरना आगे, वो भगत जीत गे पाला जी, जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गे पाला जी, संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी, वो सारे सबके काम भाई में हार लिया, गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहु गाड़ी थाम भाई में हार लिया। इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे, हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया, इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा की उदारते, यह लोक तरम अवश्य विवृति अवैश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है, वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसी जी जब न्यो बोले, नरसी जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है, तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरे तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भगत, मुझे पता है इसलिए मैं आया हूँ। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर मारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहाँ तक सेक्रीफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करण के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले, तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा, अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, वो कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ, वो किसान उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बन गई, भाई बहुत बुरा हाल हो गया मेरा, तो
घाटा लग गया, बिजनेस में बहुत गना और मेरा दिवाला निकल गया। रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भी मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गांव में चलो, आपको कुछ ठेके पर कुछ मैं अपनी ज़मीन बहुत है वैसे दे दूंगा और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, उसको ज़मीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, दो चार महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा तो वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि इस ये 10 एकड़ ज़मीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास ख़त्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूँ बो दे। उसने गेहूँ बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोज़ाना के 200-400 रुपये लेता था, गले में तो उठाता था, हर वहाँ चौवन्नी नहीं आ रही, रोज़ खर्च ही खर्च हो रहा है और डेली लिख रहा है। बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी हफ लिए 5-15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके, और अन इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूँ बीज दिया, गेहूँ का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूँ का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने। उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूँ बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया, उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूँ उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा और वो माथे बात बैठ लाए बैठे। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए, अपने मित्र की खेती देखो कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है। कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊँ अपने घर ने, क्या बोला ये फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसने 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूँगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है गेहूँ होंगे। अब उसका ना जच्चे क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूँ अभी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूँ तो मिट्टी में डाल दिए सारे खराब हो गए, वो तो उनको देख रहा कि गेहूँ तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख, उसको विश्वास यूँ था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अगियो भी ऐसे बो रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था पर जचे कति नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूँ 40 किलो और फिर वहाँ निकले काफ़ी 20-30, उसमें ऐसे ही होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूँ पक गए उसमें बाली आलीर बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूँ थे, ओहो हो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो जिसने अब ज्ञान लिया यहाँ से उपदेश लिया वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देख कर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है उन अपने भाई बहनों के की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते सच कहूँ जग मारण धावे और झूठ कही ना जाई हो, और सच को ये मानते नहीं झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों संतों मंडलेश्वरों नकली ऋषियों और महर्षियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता,
और वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता, इनको कहते हैं इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो करते कर रहे हैं ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना ही अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, एक केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा, और वो श्रद्धालु जैसे ही गुरु जी बताते हैं बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहाँ चले गए। अब वहाँ पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं, वो पुजारी वो वहाँ गए थे भक्त। अपने आत्मा सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहाँ पर इतने भगत मर गए और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहाँ रहा करते थे, वो भी उस अमरनाथ के पुजारी थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है उसके विषय में दास जानकारी देगा, अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से। ये तीर्थ कैसे बने दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी है। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना, क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था, साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी, और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है चुरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहाँ जाया करते, वहाँ पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शक्ल ना उसकी कुछ भी कोई ना, और वहाँ माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर घिसा दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था, आज पता चला वो लोकवेद था, और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी कि बेटा इस चांदने में चलिए रोशनी में, भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे उन साधनाओं के करते करते दास ने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर की, विवाह हुआ, दो बेटे दो बेटी हुई, बड़ी खुशी मनाई, और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था, और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े हैं, उनका कुछ भी ना हुआ, उनको क्यों नहीं लाभ मिला? ये आज आँखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे हम, तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे। तो अब आपको जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई? पुण्यात्मा जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था, और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की 3 दिन। जब नहीं माना, समुद्र टस से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा
भाई लक्ष्मण मुझे अपने रागनी बांध दे और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है, ये रास्ता नहीं दे रहा मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्नि बाण से, उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जा, कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो मुझे ना फूको। फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था, वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहाँ के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, एक रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, श्री कृष्ण के का तो नाश हो गया था, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का, दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे पूरा यादव नर, नर यादव कति खत्म हो गए थे, जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से, एक पारदी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था, वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे ने कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारदी शिकारी, और इसे श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी, तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की त्यों सुनसान पड़ी थी, और वहाँ यादों की जितनी पत्नियाँ थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रस्ते में कुछ भीड़ों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे, वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था, वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे, कोई पाखंड पूजा मत करना उसमें, कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहाँ बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे, सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहाँ बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना, उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। अब उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई कि ओ हो हमारे तो भाग जाएंगे। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुँचे, वहाँ पर घूमते फिरते और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान, मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी, उसी दिन समुद्री तूफान उठा बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं,
कई बार आता उड़ीसा के अंदर तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है तमंजिले मंदिर उनको, मंजिलों को भी, मकानों को भी। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को ख़त्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही, चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और चार पांच बार मंदिर ने, ये समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा, दुष्ट दुर्भाग्य है मेरा कि मुँह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाके। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करें, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूँगी, आप चिंता इतनी चिंता करें और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने गहने बेच के और फिर शुरू किया। अब जो ही वो बनाने मंदिर बन रहा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम बादर दास है, मैं रुद्रप्रयाग जिले से आया हूँ, केदारनाथ के नज़दीक मेरा घर पड़ता है, उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? मैं काम मिस्त्री काम करता हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सर अगस्त 2014 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं शंकर भगवान, देवी देवता और नरसिंह, भैरव आदि देवताओं में फंसा हुआ था, इन देवताओं की साधना करता था। दुर्गा की मैं बचपन से, शादी से पहले मैंने दुर्गा की बहुत भक्ति करी, और कम से कम 5 साल मैंने जो है दुर्गा के मंदिर में कंटिन्यूस 4 बजे अपने नित्य नियम के आधार पर जो है नहा धोकर के वहाँ पर मैं मैक लगाता था और दुर्गा की आरतियाँ लगाता था, और कई सालों से तक मैंने वो भक्ति करी। केदारनाथ में भी मजदूरी भी करता था, वहाँ भक्ति भी करता था, और कई सालों तक केदारनाथ में रहा। सर केदारनाथ में आपने कितने साल तक भक्ति की? केदारनाथ में मैं कम से कम 6-7 साल कंटिन्यूस गया। जब केदारनाथ में त्रासदी आई उसके बाद हमारी तुरंत पट खुलने से पहले ही वहाँ ड्यूटी लग गई, किसी ठेकेदार के साथ हम चले गए। जब मैं केदारनाथ में त्रासदी के बाद काम करने के लिए गया तो वहाँ पर देखा तो नरकंकाल बहुत सारे पड़े हुए थे, हैं किसी की तो चोटी उखड़ करके, पूरा शरीर से उखड़ करके वहाँ पर पड़ा हुआ था। हमने उसको उठाया और उसको दफनाया, तब मेरे को लगा कि ये कैसा मोक्ष धाम है, जिस मोक्ष धाम से लोग मोक्ष के लिए आए थे और उनको मृत्यु को प्राप्त हो गए। घर से खुशियाँ लेके आए थे कि लेकर के जाएंगे भगवान से, और जा करके पता ही नहीं चला कब वो चले गए। तो हमारी वहाँ से जो है साधना, वहाँ से मन जो है वहाँ से हट गया, और ये लगा कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। जब केदारनाथ में मैंने देखा कि इतने लाखों श्रद्धालु लोग जो है अपने मोक्ष कराने के लिए केदारनाथ में आते हैं, तो मैंने अपने मन में जो है बहुत गहरा मंथन किया कि जब केदारनाथ में आकर के मोक्ष होता तो इतने लोग कैसे मर गए। तो इस विचार से जो है तो मैंने अपने मन को बनाया कि ये साधना जो है ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है। और जो भक्त लोग बेचारे छोटे बड़े बूढ़े बेचारे वहाँ पर मर गए हैं और मोक्ष के लिए आए थे तो मर गए, तो इस कारण से जो है वो मेरा मन वहाँ से जो है हट गया। सर अभी आपने बताया कि आप उत्तराखंड के देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, आप देवी की पूजा करते थे, फिर आप केदार धाम में काम भी करते थे और वहाँ पर आप पूजा भी करते थे, ये सब पूजा करने से आपको क्या कोई लाभ हुआ? सर जी मैंने कई सालों तक ये साधना करी, इन देवी देवताओं की पूजा करी, जिससे कि मुझे लाभ के बजाय हानियाँ ही हानियाँ हुई। मेरे परिवार में हमेशा कलेश रहता था, मैं केदारनाथ से आता था पैसे कमा के आता था, रास्ते में आकर के दारू पी के घर जाता था,
और अपनी पत्नी से हमेशा कलेश रहता था। 5-5, 6-6 दिनों तक हम खाना भी नहीं खाते थे। तो फर्स्ट में जब मैं दुर्गा की पूजा करता था तो दुर्गा की साधना करने पर दुर्गा ने मुझे जो है लाभ के बजाय दुख ही दिए। ऐसा दुख दिया कि मैं अपने जो मैंने अपने लिए कुछ बनाया था संसार में अपने काम चलाने के लिए वो मेरे से छीन लिया। और मैं दारू पी करके लोगों से झगड़ा करना और गाली गलौज करना, गांव में मैं सब बदनाम था। तो इस देवी देवताओं से मुझे लाभ के बजाय बिल्कुल कोई लाभ नहीं, हानियाँ ही हानियाँ हुई और घर में कलेश ही कलेश रहता था। पत्नी जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उसको हर वक्त सिरदर्द रहता था। सिरदर्द रहने के बाद जो है वो कभी हमेशा खाना नहीं बना पाती थी। मैं इतना दुखी था कि हॉस्पिटलों में चक्कर काटते रहता था। श्रीनगर में कभी 15 दिन भर्ती रहना, कभी 1 महीना भर्ती रहना, फिर दवाई लेकर के जाना घर में, 2-4 दिन फिर ठीक रहना, फिर यहाँ आ जाना। उसके बाद इन दवाइयों से फिर उसको एकदम से बस प्रॉब्लम हो गया, एक साइड उसका सुन हो गया था। जिस सुन होने से जो है फिर हम गाँव में अपने देवी देवताओं पर आश्रित हो गए कि भाई ये देवी देवता हमारे पर लगे होंगे। नरसिंह भैरव, उसकी पूजा करी। उसकी पूजा करने के बाद उस पर बलियाँ मारी कि ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। फिर हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में भी 1 साल तक इलाज चला। उसके बाद वो जो है दवाई खाने के बाद जो है फिर उसके हाथ पैर जो है सुन होने लगे। अब सुन होने लगे तो उससे जो है हमारे जो है परिवार की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। सर, आपके उत्तराखंड में एक और प्रथा बहुत ही प्रचलित है, जैसे कि भी आपने बताया कि हम सुख प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को बकरी आदि जीव जंतुओं की बलि देते हैं। तो सर, बलि देने से क्या हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं? शास्त्र के विरुद्ध जब हम भक्ति कर रहे थे, दंत कथाओं के आधार पर हमें ज्ञान नहीं था, तो हम लोग जो है भोली आत्मा जो है इन झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ कर जो है बलियों को जो है मारते हैं। और पंडित कहते हैं कि भाई बकरा लाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इस कारण से जो है अनजाने लोग जो है हम उसमें उसी में फंसे रहते थे और उसके उन बकरों को मार करके अपने अपने को ठीक करने के बजाय और दुखी हो जाते हैं। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जब मुझे एक भगत हरिंदर दास जी से एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उन्होंने मुझे सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो है बताया और ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे दी और मैंने एक महीने उसको पढ़ा और मैं तुरंत जो है बरवाला जाने की तैयारी करने लगा। तब तक संजय दास जी भगत जी हैं, उन्होंने जो है मुझे समझाया कि भगत जी देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ने तत्व विचारा हैं, गुरु और शिष्य के दोनों के सिर में ठोके काल बन जा रहा। तो उन्होंने मुझे समझाया, मैंने कहा देखो भगत जी ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं ये सत्य ज्ञान है, ये शास्त्र के अनुकूल ज्ञान है और मैं समझ गया हूँ, मैं ये ज्ञान जो है सच्चा ज्ञान है, मुझे जाना है। उन्होंने मुझे जो है तुरंत टिकट बुक किए, मैं पूरी फैमिली जो है सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया और नाम लिया। सर, आप देवी देवता भैरव भूत की पूजा करते थे, केदारनाथ पे जाते थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर, ये जो आप पहले भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना छोड़ने से क्या आपको कोई हानि हुई? नहीं जी, मुझे ये भक्ति साधना छोड़ने से हानि कुछ नहीं हुई। मेरे घर के अगल बगल भूत भैरों के मंदिर बना रखे हैं, मेरे बगल पड़ोसी अगल बगल, लेकिन परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के नाम स्मरण करने से ही भूत भैरों कोई भी हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरी पत्नी को एक साइड में जो है सुन हो जाता था, जिससे कि मैं काफ़ी हॉस्पिटलों के चक्कर मारता था, 2-4 दिन ठीक हो जाते थे, फिर उसके बाद जो है फिर दवाएं लेनी पड़ती थी। ऐसे करते मैं कई 3-4 साल तक जो है दवाइयों के चक्करों में पड़ता रहा, लेकिन जब परमात्मा की शरण में आया तो परमात्मा की नाम दान लेने के बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरी पत्नी की एक साइड की बीमारी जिस दिन नाम दान लिया उसी दिन से ख़त्म हो गई और तब से अब तक हम दवाई कुछ नहीं लेते। मुझे इतनी खांसी होती थी, मैं जो है बगैर दवाई के 1 मिनट भी मुझे खांसी बंद नहीं होती थी। मैं कम से कम एक दिन में 3 मंडल बीड़ी पीता था, दारू पीता था, इतना पीता था कि मेरे परिवार में कलेश हमेशा होता रहता था।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की चरण में आने के बाद मेरी एक दिन में मैंने पता नहीं कितने प्रयास किए, कितने देवताओं से मैंने मन्नत मांगी कि हे मालिक मेरी बीड़ी छोड़वा दो, मेरा घर बर्बाद हो गया, लेकिन मालिक किसी देवी देवता ने मेरे ऊपर ये कृपा नहीं करी। लेकिन जब मैं परमात्मा की शरण में गया, बरवाला तक मैंने अपने जेब में बीड़ी रखी। भक्त लोग जो मेरे साथ गए थे, हरेंद्र भगत जी, उन्होंने कहा कि भगत जी तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मालिक की दया, जब मैं अंदर गया, जब मैं 3 दिन रहने के बाद जब मैं बाहर आया, मैं सोचता था मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकता, लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं बीड़ी पीना तो छोड़ करके मैं बीड़ी को हाथ लगाने तक भी बहुत घृणा करता हूँ, और जो लोग मेरे सामने भी पीते भी हैं मैं उनसे कहीं दूर हो जाता हूँ, है ना। तो मैं दारू में बीड़ी भांग और दारू में बहुत शाम को जो है डेली एक बोतल पीता था। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तब से दारू तो क्या हम हाथ तक, और परिवार में कोई रिश्तेदार भी अगर ऐसा आता है, तब से मेरे घर में ऐसा दारू पीने वाला रिश्तेदार कोई नहीं आता है कि बोला कि वहाँ तो भाई वो तो बोतल पे हाथ में लगाना। तो भाई तो परमात्मा की कृपा से जो है आज मैं नशा मुक्त हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने जब नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, सर ये कैसे संभव हुआ? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल ज्ञान देते हैं, वो परमात्मा धरती पे आए हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई भी नशा है वो छोड़ सकता है और अपने जीवन को जो है सफल बना सकता है। सर, अभी आपने बताया कि आप नशा करते थे और आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की नशा छोड़ने की, लेकिन नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो आपने नशा छोड़ दिया। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते हैं, जिससे देश का भविष्य खराब हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज देश के भविष्य को सुधारने में क्या योगदान दे सकते हैं? सर जी, जैसे मैं नशे से ख़त्म मेरा परिवार जूझ रहा था, ऐसे मेरे भक्त लोग, लाखों भक्त लोग हैं जिनकी स्थिति भी ऐसी थी। उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद उन सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा संसार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले ले तो नशा मुक्त हो जाएगा और विश्व के अंदर स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। मैं विनती करूंगा कि आइए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के अपने घर को सुखमय बना करके अपना मोक्ष कराएं। सर, अगर कोई संसार में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सर, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग टीवी के कई चैनलों पर विश्व में चल रहा है। जो भी भक्त आत्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहती है और अपना कल्याण कराना चाहती है, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपके सामने एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी पे कुछ नंबर हैं, उन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम लेकर नामदान उपदेश ले लें। धन्यवाद सर। सत साई जी।